इतनी तालियों की हकदार नहीं हूँ मैं। ये जो तुम्हारी मैनेजर साहिबा है ना, ये कुछ ज़्यादा ही तारीफ करती है मेरी। मेरे से तो जितना बन पड़ता है उतना करती हूँ। पायल, सीमा, पिछली बार कंप्यूटर लेके दिया था, पढ़ाई कर रही हो ना? हाँ। बेटा अच्छे से पढ़ा ताकि कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। यस मैम। अरे नेहा आओ ना बेटा, अब मेरे बाद ये सब तुम्हें ही संभालना है। बच्चों ये मेरी बहू, सॉरी मेरी बेटी है। नमस्ते मैम। सीमा ये तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट चीज है, अभी मत खोलना। थैंक यू मैम। इस सबसे जो खुशी मिलती है ना उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। आई जिंदगी में अगर मुझे भगवान ने कोई अच्छी चीज दी है ना तो वो आप हो। आपको देखकर इतनी खुशी मिलती है मुझे, इतना गर्व होता है। आप फैक्ट्री, क्लाइंट्स, घर, ये सब समाज सेवा कितने अच्छे से हैंडल करती हैं। बेटा जब इंसान को सफलता मिलती है ना तो उसे बिल्कुल भी घमंड नहीं करना चाहिए, उल्टा उसे तो अपनी सफलता का उपयोग कैसे करना है समाज की भलाई में, दूसरों के फायदे के लिए ये सोचना चाहिए। और उससे जो खुशी मिलती है ना उसकी कोई कीमत नहीं। पर एक चीज और है जिससे बहुत खुशी मिलती है। वो क्या? बहुत दिनों बाद पानी पूरी खाने की खुशी। ए उतर, उतर निकल, बाहर निकल, ए दरवाजा खोल, बाहर निकल, खोल, क्या चाहिए? दरवाजा खोल वरना गोली मार दूँगा। बाहर निकल, खोल। नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। दो औरतें अपने रास्ते जा रही थी, उन पर अचानक हमला होता है। कुछ नकाबपोश लोग आते हैं और उम्र दराज महिला को अपने साथ ले जाते हैं जबकि जवान लड़की को वहीं छोड़ देते हैं। जिस महिला को किडनैप किया गया था वो एक जानी मानी उद्योगपति थी, उनके पास पैसा भी था, पहुंच भी थी और पावर भी। तो फिर दिन दहाड़े इस किडनैपिंग को करने की जरूरत किसने की थी? इस किडनैपिंग को अभी एक घंटा भी नहीं हुआ था, इस केस ने सिर्फ वर्धा शहर को ही नहीं बल्कि पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया था। विद्रोही ने सुषमा के गाड़ी पे अटैक किया और जबरदस्ती उसको अपने साथ लेके गए। अरे लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज है या नहीं इस शहर में? ये हालात देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शहर अब रहने लायक बचा ही नहीं है, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। अरे ये कौन है बताने वाला शहर की हालत खराब है? सर, 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 मैं नेहा देसाई, सुषमा देसाई मेरी सास है, उनका किडनैप हुआ था, मैं उनके साथ ही थी। तू तुम्हारे ससुर है? हाँ सर। इनको हॉस्पिटल लेके जाओ। सर पहले कंप्लेन लिख लीजिए। अभी क्यों आई कंप्लेन लिखवाने? तुम्हारे ससुर जी को देखा अभी टीवी पे, बोल रहे थे लॉ एंड ऑर्डर नहीं, पुलिस मदद नहीं करती, सुरक्षा नहीं। पता नहीं बाबा ने ऐसा क्यों किया, मैं आई के साथ थी इसलिए यहाँ पे कंप्लेन लिखवाने आ गई। बताओ क्या हुआ? सर मैं आई के साथ एक इवेंट से वापस आ रहे थे तभी हुआ। ए उतर, उतर निकल, खोल, ए दरवाजा खोल, बाहर निकल, निकल, कहाँ हुआ ये? सर जगह मुझे नहीं पता, वो रास्ता भी नया था मेरे लिए। कहाँ से आ रहे थे? खोपोली गांव से। माजी हर साल एनजीओ में इवेंट में बच्चों को किताबें और यूनिफॉर्म देती है, तो वही फंक्शन से हम वापस आ रहे थे तभी ये सब हुआ।
जिन्होंने किया उनका हुलिया शक्ल कुछ याद है सर? इतना अचानक हुआ सब, मैं देख ही नहीं पाई और उनका चेहरा भी ढका हुआ था सर। फिर मैंने अपने पति अजय को कॉल किया, उनका फोन नहीं लगा तो फिर मैंने बाबा को फोन करके सब कुछ बताया। यहाँ कैसे आई, अपने गाड़ी से? नहीं, उस वक्त इतना दिमाग ही नहीं चला, हम ऐसे ही आ गए यहाँ पे कंप्लेंट लिखाने। तुम्हारी गाड़ी वही है स्पॉट पे? हाँ सर, वही होनी चाहिए। हवालदार पाठवा, गाड़ी पे नजर रखने को बोलो। हेलो नेहा, अरे ये क्या हो गया, लगी तो नहीं तुम्हें? किसने किसे किया सब? सर मैं नेहा का पति अजय देसाई, काम के सिलसिले में बाहर गया था तब माँ के बारे में पता चला। आपको कुछ पता चला माँ के बारे में? नहीं, छानबीन जा रही है, इन्हें ले जाइए अंदर। चलो। अच्छा, क्या आपके बाबा कहाँ हैं? मैं यही हूँ ऑफिसर। कुछ पता चला मेरे वाइफ के बारे में? आप लगाएंगे ना पता? हम तो कुछ मदद नहीं करते, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। आपने तो मीडिया के सामने बोल दिया, केस को पब्लिकली कर दिया, आगे का प्लानिंग भी क्या होगा ना आपने? नहीं, मैं मानता हूँ उससे गलती हुई, क्या है मैं डर गया था सो प्रेस के पास में चला गया। आई एम सॉरी प्लीज वो विद्रोहियों से मेरे वाइफ को बचा लीजिए। तुम्हें कैसे पता चला ये काम विद्रोहियों का है? पैसों के लिए धमकी दी थी उन्होंने। मैं तुम्हें एक भी रुपया नहीं दूंगी। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारी धमकियों से डर जाऊंगी? आइंदा मुझे फोन मत करना, समझे? ये धमकी कब से और किसको किसको आ रही है? वो ऑफिसर एक्चुअली सुनिए, आपकी दवाई का टाइम आउट ले लीजिए। आप कौन? बहन है मेरी, छोड़ के जा रहे हैं हमें, थोड़ी देर रुक नहीं सकती आप? नहीं, मैं तो सिर्फ मेडिसिन दे रही थी, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, हमारी बात हुई बीजी। जी, रैंसम कॉल और विद्रोही तक पहुंचने के लिए तुम सबके मोबाइल सर्विलेंस पे डालने होंगे। तृप्ति सर, नेहा को क्राइम स्पॉट पे लेके चलो। सर करडे, काय सापडलं का? नहीं सर, ढूंढ रहा हूं। तुम्हाला कधीच काय सापडत नाही, नीट बघा। हाँ, आप क्या बोल रहे हैं? सर वो सबके मुंह ढके हुए थे, वो जबरदस्ती वो स्केल से ये दरवाजा खोला और आई को यहाँ से खींच के ले गए। उनकी गाड़ी वहाँ पर खड़ी थी और एक गाड़ी पीछे भी खड़ी थी सर, मुझे भी जबरदस्ती निकाल के एक आदमी ने पकड़ के मारा और यहीं पे छोड़ दिया सर। जिसने तुमको पकड़ा था उसका हुलिया दिख पाई? मैं बता रही हूँ ना, सबका मुंह ढका हुआ। पैकेट ऑफ मोबाइल में इसमें क्या था? ये मेडिसिन किसकी है? ये आई की दवाई है। ये मोबाइल किसका है? सर आई भी ऐसा ही फोन यूज करते, कंफर्म नहीं बता सकते पर ऐसा ही लग रहा है। देखो सर पासवर्ड है। पासवर्ड बताओ इसका। मुझे नहीं पता, आप बाबा को फोन करके पूछ लीजिए। तुम और आई जब साथ में थे तो भाई को मोबाइल पे फोन आया था किसी का? बाबा से पूछ लीजिए। अरे बाबा को ऐसा पता होगा, वो तो घर पे थे ना। ओ शिंदे मैडम, यांना घेऊन जा गाड़ी पर्यंत ना। एक काम करो, घर में किसी को इसका पासवर्ड पता है क्या देखो, और किसी को पता नहीं तो साइबर टीम के पास भेज दो। सर मतलब तुम्हें क्या लगता है ये काम विद्रोहियों का हो सकता है? सर पॉसिबल तो है, जहाँ से ये लोग आ रहे थे और ये पूरा एरिया विद्रोहियों का ही है, ना कोई दुकान मकान है और ना ही कोई सीसीटीवी कैमरा। अजय बस कर, खुद को कंट्रोल करो यार। मैंने उन्हें पैसे दिए थे, कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? अजय 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 बस कर, बस करो अजय, संभालो खुद को। हाँ।
सुप्रीम इंडस्ट्री की सुषमा देसाई का दिन दहाड़े अपहरण, परिवार ने जताया विद्रोहियों पे शक। सर, आनंद और अजय भी सुषमा देसाई के फोन का पासवर्ड नहीं जानते थे, लेकिन हमारी साइबर टीम ने फोन को अनलॉक कर दिया। और जैसे आनंद ने कहा था, 17 दिन पहले सुषमा देसाई को विद्रोहियों ने धमकी वाला कॉल और मैसेज किया था पैसों के लिए, पर इस फोन में एक हिडन मैसेज है जो अब तक अनलॉक नहीं हो पाया। साइबर टीम काम कर रही है उस पर। पता करो किस नंबर से मैसेज आया था। सर, आई एम श्योर ये नंबर फेक आईडी पे लिया गया होगा। हो सकता है। एक बात समझ में नहीं आ रही, अभी तक विद्रोहियों का रैंसम कॉल क्यों नहीं? क्या ऐसा तो नहीं कि उन्होंने उसको मार दिया? आप कहीं जा रहे हैं? बाहर जा रहा हूँ। सुनिए, देखिए, आप अभी बाहर मत जाइए। वैसे माँ जी का अभी तक कुछ पता नहीं चला। और आप अपने काम से काम रखो, समझे तुम? अच्छा, हाथ छोड़ो। सुषमा देसाई के बारे में पुलिस के पास अब तक कोई लीड नहीं थी, और फिर 6 जनवरी की सुबह सुषमा दिखाई दी, लेकिन जिंदा नहीं, मुर्दा। पुलिस को उनके शरीर के टुकड़े अलग अलग जगहों से बरामद हुए। किडनैपिंग का यह केस अब एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस बन चुका था। पेमेंट मैं करूंगा। पहले अपना उधार तो चुका दे, बाद में सबको फुकट की दारू पिला। ए, कैसा एकदम चौनी जब बात करता है तू? अरे पैसे का बारिश होने वाला है मनसुख भाई। जब बारिश होगी ना तो बोलने का, समझा? तुमको मालूम है जो मिलर काहे के लिए? क्योंकि तुम छोटा सोचता है, आगे नहीं बढ़ पाएगा तुम। ये गोल्ड चेन, गोल जैन मनसुख भाई, अभी सबको सबको पार्टी मेरी तरफ से। क्या है कि अभी सुषमा देसाई इज नो मोर। सर, आप टीवी पे न्यूज नहीं देख रहे? अरे क्या हो गया यार न्यूज में? ये देखिए विद्रोहियों का वीडियो। हमने सुषमा देसाई को ना मारा है ना किडनैप किया है, हम उसे मारेंगे क्यों? वो हमें प्रोटेक्शन मनी दे चुकी है। ये तो कह रहे उन्होंने नहीं मारा। अरे झूठ बोलने की चांसेस बहुत कम। ये काम किसने किया होगा? सुषमा का पति आनंद, इसने पुलिस कंप्लेंट करने के बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, और नेहा जब पुलिस स्टेशन आई तो अकेली थी, उसके साथ कोई नहीं था। क्या झोल है। सर, आपको याद है जब हम उनके घर गए, हम वहां इंक्वायरी कर रहे थे और वो बहन जी वहां दवाई लेके आ गए। ऐसा लग भी नहीं रहा था कि घर में किसी को फिक्र थी। इसलिए फिक्र नहीं थी क्योंकि सबके रास्ते का काटा सुषमा थी, और इसलिए उन्होंने नेहा को छोड़ दिया और सुषमा को मारा। मतलब उनको सिर्फ सुषमा को मारने की सुपारी मिली थी। वो सुपारी किसने और क्यों दी? अब ये सच सच बताओ, सुषमा को क्यों और कैसे मारा? ओल्ड इंस्पेक्टर, आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बकवास सवाल पूछने की? हिम्मत की बात मत करो, अभी हिम्मत दिखाई नहीं, और दुआ करो हम हिम्मत ना दिखाए। लेकिन सर, आप ही सोचे ना, ये
ये क्यों मारेंगे सुषमा दीदी को? बहन जी कुल कुल इनकी बहन जी, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि सुषमा ने उनको पैसे दिए थे। किसको पता है? ये इससे पूछे ना, यही सुषमा दीदी के सारे कामकाज देखता था। हाँ सर, मैं मैडम जी का असिस्टेंट हूँ। क्या हुआ? सच सच बता देना सर, ब्लैक व्हाइट जो कुछ भी है, मैं तो बहुत स्टंट करने पड़ेंगे। सर मैं तो बस मैडम जी के बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों में हेल्प करता था उनकी। हाँ उनमें कुछ गलत चीज़ें भी थी, मतलब किसी को रिश्वत देना हो या किसी को मनाना हो तो। विद्रोह को पैसा दिया था? हाँ सर, पर सारे पैसे सर ब्लैक में थे, इसलिए मैडम जी चाहती थी कि ये खबर बाहर ना आए। कितना पैसा दिया था? सर 50 लाख, पर एक बार में नहीं दिए थे सर, दो इंस्टॉलमेंट में दिए थे। ये उन तक पहुंचा देना। मैं खुद देने गया था वहां। इतना कैश कहां से आया? सर ये मैं नहीं जानता। बस मिल गया आप लोगों को आपके सवालों का जवाब, आप प्लीज हमें भी चैन से रहने दीजिए। अरे एक तो कल सुषमा दीदी का चौथा है, हमें उसकी भी तैयारियां करनी है, और ऊपर से इन्होंने भी ना सुबह से कुछ नहीं खाया। चला प्रताप, तुमने नोटिस किया ये बहन जी भाई जी को इन्होंने इन्होंने कह रही थी? तो बहन अपने भाई को आओ जाओ करती है क्या? और सुषमा को दीदी बोल, इस औरत का रिलेशन कुछ समझ में नहीं है। तो कहानी है, हाँ साहब। क्या नाम है तुम्हारा? कमल साहब। कितने सालों से काम करते हैं आप यहाँ? हमको तो बहुत साल से काम कर रहे हैं साहब। अच्छा एक बात बताओ, ये सोनाली जी है, ये अनंत की बहन है, यहाँ पहले से रहती है, शादीशुदा है? उनके बारे में हम क्या बोले साहब, ऐसे तो सभी उन्हें बहन जी कहते हैं, आनंद साहब भी, पर साहब जब हम दोनों को साथ में देखते हैं ना तो बहन जी कम भाभी जी ज़्यादा लगती है। जा, अच्छी ड्यूटी करना। हाँ सर। हमारा शक सही निकला पड़ा, अब काम करो ये सुषमा की सारी हिस्ट्री निकालो, और एक बात पता करो कि सुषमा के मौत से किसको सबसे ज्यादा फायदा होता। मार दिया बेचारी को। खड़ा करने के लिए बैठो, मर गई बेचारी। नहीं अभी क्या है, बाप का कर्जा चुकाना है तो। तमाशा मत करा, वहां से निकल जा। वरना वरना क्या क्या वरना, मेरे को हमेशा की तरह बाहर अकाल दोगे, बाहर फेंक दोगे। हाँ अभी नहीं कर सकते ऐसा, मेरे को मालूम है सुषमा गई, सुषमा ने वसीयत नहीं बनाया, मालूम है मेरे को। नहीं अभी ये सब में मेरा बराबर का हिस्सा है, मालूम है मेरे को। सर मेरा नाम भूषण करवे है, सुप्रीम इंडस्ट्री का हकाला हुआ जवाई हूँ सर। मैं बहुत बेइज्जती किया था सर मेरा, वेरी इंसल्टिंग, बाहर निकाल दिया मुझे। हाँ अभी क्या हुआ सर, आप लोग मेरे को इधर लेके आए? सुषमा के मौत का बहुत तो जश्न मना रहा था, हमारे खबरें तेरे को वहां देखा, बाद में तो वहां से चला गया। नो नॉट लाइक दैट सर, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत लंबा स्टोरी है ना सर, लेट इट बी सर। अपने पास बहुत टाइम है, वी हैव वेरी मच एम्पल ऑफ टाइम। सुना कहानी सुना। मैं सुप्रीम इंडस्ट्री में मैनेजर लेवल पे था, उधर जॉब करता था सर। मैं नाटकर्णी सेठ की दो बेटियां थी सर, छोटी वाली सुषमा, बड़ी सीमा। पता नहीं सर, लेकिन सीमा से प्यार हो गया सर मेरा, वो भी मेरे को प्यार करती थी सर। नवीन सेठ राजी नहीं थे सर, लेकिन 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 मान गए सर, बेटी की जिद के आगे क्या कर सकता है,
बेचारा बाप मान गया सर, हमारी शादी भी हो गई सर, सब अच्छा था सर लाइफ में, एवरीथिंग वॉज गुड गोइंग, बट एक रोड एक्सीडेंट में सीमा की डेथ हो गई सर। उसके बाद मालूम नहीं सर, नवीन सेठ एकदम से बदल गए, मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं करते थे। पापा आपने सप्लायर्स के साथ हमारा डील कैंसिल कर दिया, मैंने जबान दी थी पापा ने। और जबान देने से पहले तूने मुझे पूछा नहीं था, और ऊपर से तेरे वो सप्लायर, उनकी औकात है कि हमारा माल खरीदने की? भाई कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे बताया आप कंपनी के मालिक हैं, लेकिन मैं भी कंपनी का सीईओ हूं। अरे तू इस कंपनी का असिस्टेंट मैनेजर बनने के लायक भी नहीं, और ना ही कभी तू सीमा के लायक था। मनुष्य है तू मनुष्य, जब से तू हमारी जिंदगी में आया है ना, तब से कुछ अच्छा नहीं हुआ, सब बुरा हुआ है, पनौती है पनौती। पापा बस, पापा एक शब्द भी बोला ना हाथ उठ जाएगा मेरा, तू मुझ पे हाथ उठाएगा, तू मुझे मारेगा, दुनिया में कहीं भी तू नौकरी लेके दिखा, भूखा ने मार दिया ना तुझे तो मेरा नाम भी नवीन नाटकर्णी नहीं समझा। निकल यहां से, अब निकल पापा, निकल पापा। नवीन सेठ ने मेरे को खाली कंपनी से नहीं निकाला सर, बल्कि किधर दूसरी जगह जॉब भी नहीं लगने दिया मेरा, सारा बिजनेस कंपनी का सारा पावर उन्होंने सुषमा को दे दिया सर, मेरे को हगाल दिया सर। यू नो व्हाट सर, नेहा का बाप सब्जी बेचता है, लेकिन सुषमा ने अपने बेटे अजय की शादी करवाई नेहा से। ये तो अच्छी बात है कि गरीब घर की लड़की की शादी उन्होंने अपने बेटे से की, दे आर गुड पीपल। ये गुड पीपल बैड पीपल वाला बात ही नहीं है सर, मजबूरी थी सर उनकी नेहा की शादी अजय से करवाना। I do not have any proof, but मैं जानता हूँ ये सच है जो मैंने सुना है सर, अजय रेप नेहा, अजय ने नेहा का रेप किया था सर, इसके लिए उनका मजबूरी था अजय के साथ नेहा की शादी करवाना। डिटेल में बताओ। क्या डिटेल में बताऊँ सर, सब तो बोला आपको सर, लेट मी गो ना सर, अभी अभी मेरे को प्यास लग रहा है सर, मेरे किस चीज की प्यास लगी पता है हमको, समझा, इसको अंदर लेके जाओ सर। सर बट सर, सर मैंने क्या किया है सर? वो इसलिए कि सुषमा बिना वसीयत के मर गई, अब तेरे को फायदा होगा, और यही मोटिव है तेरे पास सुषमा के मर्डर का, समझा, चल लेके जाओ इसको अंदर। सर सर आई हैव टू कॉल माय लॉयर फर्स्ट सर। अरे नको ना बोलू बाबा, एवडा इंग्लिश, हिंदी में बात कर सर, फिर से इंग्लिश लेके जाओ इसको। डू दिस टू मी सर, सर आई नीड टू टॉक टू माय लॉयर सर। इसकी स्टोरी क्रॉस चेक कर, अगर थोड़ी भी सच्चाई होगी ना तो केस सॉल्व करने में हमें फायदा। अजय ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती रेप किया था, क्या हुआ था उस दिन? सर हमारी सब्जी की दुकान है, मेरी आई और मेरी सासूमा बचपन के दोस्त हैं, तो सासूमा ने कहा था कि सब्जी हमारे यहाँ से ही खरीदी जाएगी। फिर सर करीबन एक साल पहले की बात है, आई ने बोला था कि सब्जी पहुंचा देना, पर मुझे नहीं पता था कि अजय घर में अकेले हैं। मैंने सब्जी टेबल पे रख दी है, आप मम्मी जी को बता दीजिएगा। छोड़ो, क्या कर रहे हो? छोड़ो। सर उस दिन जब मैं काम से लौटा तो मैं मेरे रूम में चला गया था, कुछ देर के बाद मुझे मैडम की गाड़ी की आवाज आई, मैडम और सर दोनों नासिक गए हुए थे, एक सप्लायर से मीटिंग थी उनकी। फिर सर मीटिंग में क्या हुआ ये पूछने के लिए मैं नीचे आया तो देखा आनंद सर और मैडम अजय के रूम में थे। हाँ साहब, उस दिन नेहा मैडम बहुत देर तक घर में थी, फिर आनंद साहब और मैडम जी आए और कुछ देर के बाद नेहा मैडम को गाड़ी में बिठा करके ले गए। वो नेहा मैडम ने शाल ओढ़ी हुई थी तो हमको लगा कि तबीयत खराब हो गई होगी। वो लोग नेहा को कहाँ लेकर गए? सुषमा नेहा को लेकर सीधा यहाँ पर आई, और क्या करती वो, कहाँ लेकर जाती उसे? सर ये सुनकर आप लोगों को बहुत झटका लगा, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि अजय नेहा के साथ। फिर क्या हुआ सर? फिर बहुत रोना धोना हुआ, गर्मा गर्मी हम तो पुलिस के पास आने ही वाले थे कि तभी सुषमा ने कहा कि सर,
रत्ना, मैं सोच भी नहीं सकती कि तुझ पर क्या बीत रही होगी। मैं जानती हूँ अजय ने गलती की है, लेकिन रत्ना अगर हम पुलिस के पास गए तो दोनों घरों की बदनामी होगी। तुझसे हाथ जोड़कर विनती करती मुझे नेहा को अपने घर की बहू बनाने दे। मैं अजय की इससे शादी करवाना चाहती हूँ, प्लीज मना मत करना मेरे लिए। सर मैंने उस दिन बहुत पी रखी थी, मुझे कुछ भी याद नहीं है उस दिन क्या हुआ। इतना धुंधला सा याद है कि नेहा सब्जी लेके आई थी, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं। जब मैंने आंखें खोली तो सब मुझे घूर रहे थे। मैं यहाँ इस बिस्तर पे सोया था और नेहा फर्श पे बैठ के रो रही थी, इतना ही याद है मुझे। तो तुम्हें कुछ भी पता नहीं, तुमने उसके साथ जबरदस्ती की, रेप किया? नहीं सर। फिर भी तुम उसके साथ शादी करने के लिए चुपचाप मान गए? क्योंकि माँ को यकीन था कि मैंने ही नेहा का रेप किया है, तो जब माँ ने मुझे शादी के लिए पूछा तो मैंने फौरन हाँ कह। सर मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। कैसा प्यार साहब, नेहा मैडम से शादी के बाद से अजय सर तो सुषमा मैडम से बात तक नहीं करते, रोज रात को देर से घर आते थे, कभी कभी तो सुबह ही आते थे। सर अब तो लगता है कि ये भूषण सच कह रहा है। भूषण से बात करनी है। अभी गले के साथ साथ दिमाग भी सूख गया है सर, अगर थोड़ा थोड़ा मिल जाए सर तो मेहरबानी हो जाएगी सर। ठीक है, सुषमा की फैमिली के बारे में कुछ और जानते हो तो बताओ मुझे। बताओ, छोड़ देंगे। पक्का प्रोफेसर? आई चीज सर वो डिस्टेंस सर। फिर मुझे एक ऐसी बात मालूम है जो किसी को नहीं पता सर। क्या? सुषमा आनंद से डिवोर्स लेने वाली है सर। क्यों? अभी बीवी के घर में होते हुए दूसरी औरत को रखेंगे तो बीवी को तो डिवोर्स लेना बनता है ना सर। कहाँ जा रहे हैं? बाहर जा रहा हूँ। अय्याशी करने जा रहा है ना? हद होती है अय्याशी की। देखो कौन बोल रहा है, अय्याशी की भी हद होती है। उस औरत को इस घर में ला के रख दिया और क्या बुलाता तुम? बहन जी, मेरी माँ के होते हुए भी उस औरत को लेके आए, उसी दिन तुम्हारे लिए जो रिस्पेक्ट था ना सब खत्म हो गया। रमीज, बाप से ऐसी बात करता है? मिस्टर आनंद, मुझे मारने की फिर से गलती मत करना, समझे तुम? छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, समझे? छोड़ तू क्या मुझे निकालेगा? मैं सहन कर रहा हूँ सिर्फ मेरी माँ की वजह से, उसका यह बिजनेस है और उसके बाद सिर्फ मेरा है। मैं तुम्हें घर से बाहर फेंक दूंगा। निकल जा, शांत हो जाइए आप। निकल जा मेरे घर से। अजय बस करो, तुम ऑलरेडी बहुत पी चुके हो, बहुत लेट हो गया, तुम्हें अभी घर जाना चाहिए। घर? किस घर की बात कर रही हो तुम? मेरा वो घर जिसमें ना मेरी बीवी है ना मेरा बाप, चार दीवारी को जिसे मेरी माँ घर बना सकती वो भी तो नहीं रही। अजय बैठो सोचो, जिस वजह से तुम्हें नेहा से शादी करनी पड़ी थी वो वजह तो अब है ही नहीं। कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है, तुम आसानी से नेहा से छुटकारा पा सकते हो, तुम जो चाहते हो वो कर सकते हो। सुषमा के परिवार में हर रिश्ते की नींव काफी खोखली थी, यहाँ ना प्यार था और ना ही नैतिकता, पर फिर भी एक औरत थी जो इन दुराचारियों को कंट्रोल करती, इस चार दीवारी को घर बनाने की कोशिश करती, और शायद यही कोशिश उसके लिए घातक साबित हुई। भूषण खुद इस केस में एक बड़ा सस्पेक्ट था। उसके बयान को क्रॉस चेक करने के दौरान पुलिस सुषमा के वकील से मिली, उसने ये कंफर्म किया कि सुषमा ने आनंद के खिलाफ डिवोर्स केस फाइल किया था, जिसकी वजह थी आनंद का अपनी बहू नेहा का रेप करना। इसके अलावा साइबर टीम ने सुषमा के मोबाइल में मिले एनक्रिप्टेड मैसेज को डीकोड कर लिया था, जिसने इस केस में एक नया एंगल खोल कर रख दिया था। सर और क्या बताऊं मैं आपको, जितना था सब बता चुकी हूं। तुमने सब कुछ नहीं बताया, पर तुमने जो बताया नहीं क्या वो अब हम बताएं? मैं कैसे बताऊं मेरे साथ यहाँ क्या हो रहा है? बाबा मेरे साथ जबरदस्ती करते हैं, रेप करते हैं मेरा। दोपहर में जब घर में कोई नहीं होता और बहन जी भी सो रही होती है तो काम के बहाने अपने रूम में बुला के मेरे साथ जबरदस्ती करते हैं।
है आंटी जी, अब बताइए क्या करना है इसका? आप चाहती हैं कि ये बात सारी दुनिया को पता चले कि आपका पति मेरी बहन के साथ रेप करता है, या आप घर की बात घर में ही रखना चाहेंगी? जो भी है सोच के बता दो, वरना मुझे इसे पब्लिक करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सोच लो आराम से। सुना, अब ये बात बताओ, इस ब्लैकमेल में सिर्फ तुम्हारा भाई संकेत शामिल था या तो उसके साथ तुम भी शामिल थी? मैं आई के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मुझे तो पता भी नहीं संकेत ये सब कर रहा है, उसने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। तुम्हें पता था ये? ये सब कुछ पता है तुम्हें? नहीं सर। कमाल है, तुम्हारे पिताजी ने उसके साथ रेप किया, वो प्रेग्नेंट हुई, उसका बच्चा भी गिराया गया, फिर भी तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें कुछ नहीं बोला? सर हमारी शादी सिर्फ नाम की शादी थी, हमारे दोनों के बीच में पति पत्नी वाला कोई रिश्ता नहीं था। शादी के बाद वो अपने कमरे में सोती थी और मैं अपने कमरे में, और ये बात इस घर में सबको पता है। तुम्हारे पिताजी ये सब कुछ कर सकते? बिल्कुल सर, उसके जैसा नीच और घिनौना आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। अरे उसके घिनौनेपन का एग्जाम्पल तो इस घर में शामिल है, वो बहन जी मेरी माँ के होते हुए उस लड़की को ला के रख दिया उसने, बहुत सताया मेरी माँ को उसने, बहुत। तुमने नेहा का रेप किया, वो प्रेग्नेंट हो गई, ये बात सुषमा को पता चल जाएगी ऐसे तुमको डर लगा था, और तुमसे डिवोर्स लेगी, फिर तुम्हें प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, इसलिए तुमने सुषमा को मार दिया। लेकिन सर मैं सर ये सब झूठ है। अरे वो लोग इन पर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। ओ भाई जी की बहन जी, लक्ष्मण रे से जात रहा, समझा ना? तुम्हारे भाई जी बहन जी का नाटक सब पता है हमको। है हमारा अफेयर है तो? अफेयर? आज से नहीं 15 सालों से, और ये बात सुषमा को भी पता थी, इसलिए तो ये बात घर से बाहर कभी गई नहीं। और सुषमा को प्रॉब्लम नहीं था, आप लोगों को क्यों प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तुम्हारे अफेयर से नहीं है, प्रॉब्लम नेहा के रेप से। मैंने बताया ना आपको, वो लड़की झूठ बोल रही है। क्या अजीब फैमिली है ये, फिल्म बननी चाहिए तुम्हारे ऊपर। बेटा पहले गरीब लड़की का रेप करता है, बाद में माँ उसकी शादी उसके साथ करवा देती है। वो दोनों एक घर में रहते हैं लेकिन फिर भी अलग अलग रहते हैं। बहू कहती है कि ससुर ने उसका रेप किया, ससुर ने एक औरत को घर में ला के रखा है, वो कहती है कि बहू झूठ बोल रही है। क्या नाटक क्या ये? आपके पास में ऐसा कोई टेस्ट है जो ये प्रूव कर सके कि मैंने नेहा पे रेप किया है? तो मैं वो टेस्ट करवाने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मुझे मालूम है वो लड़की झूठ बोल रही हो। मेरा भाई चलता ना, जिस दिन उस लड़की ने मुझ पे ये इल्जाम लगाया ना, उसी दिन उसको घर से बाहर निकाल देता, लेकिन सुषमा की वजह से मैं चुप पाई। और मेरा भाई चलता तो अभी तुमको अंदर करवा देता, समझा? कायदे के वजह से चुप बैठा हूं मैं। आपके पास में क्या प्रूफ है, क्या सबूत है जो लड़की ने मुझ पे इल्जाम लगाया वो सच है? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सर अगर आप लोग ना ये केस हैंडल नहीं कर पा रहे तो प्लीज अंधेरे में इस तरह तीर मारना बंद कीजिए, और एक शरीफ इंसान पर ना इस तरीके के झूठे और घटे इल्जाम लगाना भी बंद कीजिए। एग्जैक्टली। चलिए सर, सर सुषमा आंटी से मैंने कोई पैसे नहीं लिए सर, सच में उनके मर्डर में भी मेरा कोई हाथ नहीं है सर, सर सच्ची बोल रहा हूँ सर। सबूत है हमारे पास, बिल दाखवा जरा, स्टेटमेंट दाखवा। तेरे बैंक अकाउंट में 50,000 हर महीना आते थे, कौन डिपॉजिट करता था वो बताएगा, हम पता करें कितना टोटल हो गया। सर थैंक यू सर, आपने तो मुझे खुद ही निर्दोष साबित कर दिया सर। वो हर महीने मेरा मुंह बंद रखने का 50,000 रुपए देती थी, अब आप खुद ही सोचिए ऐसे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को कोई क्यों मारेगा? नेहा मेरी बहन थी, उसके साथ जो हुआ सो हुआ, पर सर आंटी के मरने के बाद मेरा तो नुकसान ही हुआ ना। पर का हराम खोरा, अब मैं चलूं सर। बैठ, खुद बोला ना तूने ब्लैकमेल करना भी गुनाह है। सर सर सर, सर जाने दो ना, छोटी छोटी सी गलती हो गई थी। कैसे कैसे जाने दो, गटारी मनाएंगे। सर सर मैं सिटी नर्सिंग होम पता किया सर, वहाँ सच में सुषमा ने नेहा का अबॉर्शन करवाया था, पर अबॉर्शन 3 महीने पहले हुआ, इसलिए उन्होंने उस फीटस को डिस्पोज कर दिया। फिर तो पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कि वो बच्चा किसका था। एक बात समझ में नहीं आ रही, अजय का कहना है कि उसका और नेहा का कभी संबंध आया ही नहीं,
पर आनंद छाती ठोक के कह रहा है कि उसने नेहा का रेप नहीं किया। नेहा का कहना है कि आनंद ने उसका रेप किया। क्या प्रकरण है? क्या ऐसा तो नहीं कि नेहा का शादी से पहले कोई अफेयर था, शादी के बाद में पति से सुख ना मिलने की वजह से वो प्यार वापस आ गया? एक काम करो, ये नेहा का पास्ट और प्रेजेंट चेक करो, अगर सही नहीं है तो उसका फ्यूचर हम तय करेंगे। पुलिस के हाथ अब भी खाली थे, बावजूद इसके कि सस्पेक्ट्स की एक लंबी लिस्ट थी जिसमें अजय, भूषण, आनंद और इन सब के पास सुषमा के मर्डर का मकसद था। लेकिन पुलिस के पास इनमें से किसी के भी खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं था और एक हाई प्रोफाइल केस होने की वजह से मीडिया और सीनियर्स का भी काफी प्रेशर था। केस को हल करने की जद्दोजहद में सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर ने इस केस के हर इंसिडेंट, हर सबूत और हर बयान को रीचेक किया और उनके हाथ एक नया क्लू लगा। सुषमा के गाड़ी में हमें ये चार स्ट्रिप्स मिली है। ये मेडिसिन किसकी है? ये आई की दवाई। तो बीपी की दवाई है, गोली एक ही है लेकिन स्ट्रिप्स चार है। सर हो सकता है ना उसने सब दवाइयां एक ही दिन खरीदी हो? स्ट्रिप्स के पीछे केमिस्ट का एड्रेस है, खोपोली गांव में। पता करो किसने और कब ली थी। सर तुमने उस दिन बताया नहीं, तुम घर जाते वक्त केमिस्ट के दुकान में गई थी। केमिस्ट? मेडिकल स्टोर जहाँ दवा मिलती है। नहीं। ये देखो, ये तुम ही हो ना? हाँ सर मैं ही हूँ। आई की बीपी की दवाई लेने गई थी, उसमें बताने जैसा क्या है? हाँ वो तो है। और ये रही पुलिस स्टेशन की फुटेज। मेडिकल स्टोर की फुटेज में तुम अलग कपड़ों में हो और पुलिस स्टेशन में तुम अलग कपड़ों में। रास्ते में कपड़े बदल लिए? सर मैंने बताया था ना आपको कि बाबा को फोन करने के बाद मैं वहां से पैदल आई थी, तो नाक पे चोट लगी थी, खून बह रहा था, साड़ी पे भी खून लग गया था, तो पहले घर जाके कपड़े बदले फिर सीधा पुलिस स्टेशन आए। लेकिन तुमने बताया नहीं तुम घर से आई, तुमने तो ऐसा बताया कि तुम डायरेक्ट क्राइम स्पॉट से यहाँ आई थी। तो वो मेरे दिमाग से निकल गया होगा, मेरे को लगा मैंने बताया। और बताने की वैसे जरूरत भी नहीं ना सर, घबराई हुई थी सर। जा सर मुझे लगता है ये लड़की झूठ बोल रही है, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है इसने घर जाने की बात तो नहीं कही थी। पर सर ये भी हो सकता है कि उस सिचुएशन में इसे ही नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या बोल रही है और क्या नहीं। सर अजय का शादी से पहले मीरा सान्याल नाम की लड़की के साथ अफेयर था। सुषमा चाहती थी कि अजय शादी के बाद ये रिलेशनशिप खत्म कर दे, पर अजय इस बात से खुश नहीं था। अजय की हिस्ट्री निकालो। सर सर संजय सुषमा के गोरख धंधों को डील करने के साथ साथ सर कुछ महीने पहले एक फैक्ट्री की हड़ताल तुड़वाने के लिए उसने सम्राट नादन के आदमी के साथ मांडव की थी। सर वो एक हिस्ट्री शीटर है। नहीं, ऐसा तो नहीं सुषमा के मर्डर की सुपारी इस सम्राट को दी गई हो? सुषमा देसाई को मारने की सुपारी मैंने ली थी सर। किसने दी थी? अजय देसाई ने। सर मैंने किसी सम्राट नाम के आदमी को पैसे दिए थे। तुम कबूल करते हो कि तुमने तुम्हारी माँ को मारने की सुपारी दी थी? नहीं सर बिल्कुल नहीं। मतलब तुमने तुम्हारे माँ को मारने की सुपारी नहीं दी थी? फिर सम्राट को पैसे क्यों दिए थे? अरे वो वो तो बस हम दोनों की प्लानिंग थी सर। ये देसाई मजबूरी में आके नेहा को अपनी बहू बना ले, इसलिए हमने सर रेप का प्लान किया था सर। और वो रोने धोने का ड्रामा, नेहा को पैसे और पावर की जरूरत थी, और इन देसाइयों ने मेरे और बाबा के साथ जो कुछ किया था उसके लिए मुझे इन देसाइयों से बदला लेना था सर। सर मेरा प्लान था कि जब वो अजय दारू के नशे में धुत हो जाए
तभी नेहा वहां सब्जी लेके पहुंचे। मैंने सब्जी टेबल पे रख दी है, आप मम्मी जी को बता दीजिएगा। बहुत पी लिया आपने, बस करिए। अरे खत्म करनी है। आराम से। ए यार, यार एक मिनट मिनट मिनट। आराम से। ए ए। अजय गिरते ही सो गया था। फिर नेहा ने अपने कपड़े फाड़े। खुद के शरीर पे खरोंच के निशान डाले और इंतजार किया। जैसे ही मैडम और आनंद की गाड़ी की आवाज सुनी, नेहा अजय के रूम में जाकर फ्लोर पर बैठ गई और रोने लगी, ताकि मैडम और आनंद घर में घुसते ही उसे देखे। सबको लगा कि अजय ने नेहा का रेप किया, फिर मैडम ने चालाकी दिखाकर नेहा को अपनी बहू बना लिया। बस सर, उसी दिन से मेरा बदला शुरू हुआ। सर, इन देसाइयों ने मुझे अपना बेटा बनाकर अपने घर तो रख लिया, पर अजय में और मुझ में मुझे साफ फर्क दिख रहा था। बिना तनख्वाह का नौकर बना के रखा था मुझे। मेरे बाबा को बेवड़ा बनाकर रख दिया था इन देसाइयों ने। उस वक्त तो मुझे और ज्यादा झटका लगा जब मुझे ये पता चला कि माँ के मरने से पहले इन देसाइयों का जो कुछ था वो सब मेरा था। सर, नेहा ने आनंद पर रेप का झूठा आरोप क्यों लगाया? आनंद को और उस मैडम को अलग करने के लिए। सर, मेरा प्लान था कि आनंद नेहा के रेप के केस में अंदर जाए और अजय अपने माँ के मर्डर के चार्ज में, और वजह होगी मैडम जी की वो जबरदस्ती जो उसने अजय के साथ की थी जब उसने मीरा को छोड़कर नेहा को अपनी बहू बनाया। मैं अजय की इससे शादी करवाना चाहती हूँ, प्लीज मना मत करना। अजय को बेवकूफ बनाकर उसी के हाथों सम्राट को मैडम जी की सुपारी दिलवाई। अजय, सम्राट बाहर खड़ा है। हाँ, देखो वो वैसे बहुत लफड़े वाला आदमी है, पर मैं गारंटी लेता हूँ वो मैडम के ऊपर आंच भी नहीं आने देगा। तुम्हें ऐसे लोगों से डील करने में कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो तुम ऐसा करो कि मैं जो बोलता हूँ बस वही बोलना और पैसे देके फटाफट आ जाना। सम्राट भाई, काम तो हो जाएगा ना? साहब, काम का टेंशन मत, सम्राट भाई की जवाब। सुषमा को कैसे मारा? सर, मुझे पहले से पता था मैडम 3 तारीख को खोपोली गांव जाएगी, और ये भी तय था कि सम्राट और उसके आदमी और मैं हम सब मिलकर मैडम जी को कहाँ किडनैप करेंगे। सम्राट के गुंडे मैडम को खींच कर अपनी गाड़ी के पास लेके गए। सर, नेहा को मैंने नाक पर घूसा मारा था ताकि उसके नाक से खून निकले और सबको ये सब कुछ सच लगे। सम्राट के गुंडे मैडम जी को लेकर किसी सुनसान जगह पर चले गए और फिर उसे मार कर टुकड़े टुकड़े कर अलग अलग जगह पर फेंक दिए। मैडम का सर फैक्ट्री के गेट पे लगाने का आइडिया मेरा ही था। सर, मैं चाहता था कि वो औरत देखे कि जिस जगह का मैं मालिक था उसी जगह मुझे नौकर बना के रखा गया था। सर, उसके बाद प्लान ये था कि नेहा सीधा पुलिस स्टेशन आए, पर बेचारी डर गई थी सर, इसलिए घर पर कपड़े बदलने के लिए गई थी। और नेहा का अबॉर्शन? वो बच्चा मेरा ही था। अजय नेहा के साथ कभी नहीं रहता था सर, ज्यादा करके वो उस मीरा के यहाँ पड़ा रहता था। मैं और नेहा हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे सर। सर, ये सब कुछ हासिल करने के बाद हमारा प्लान था कि बस एक दूसरे के साथ नई जिंदगी शुरू करें। चलो, तुम्हारी इच्छा हम पूरी कर देते हैं। बाहर साथ साथ नहीं, जेल में। नेहा को अरेस्ट करो सुषमा देसाई के मर्डर केस में। नेहा जो शुरू से ही सताई हुई और मजबूर लग रही थी वो असली मुजरिम निकली, और संजय जो घर का बेटा माना जाता था, घर के लोगों के साथ हंसता खेलता था, खाता पीता था, वो दिल ही दिल में नफरत पाल रहा था, बदले की योजना बना रहा था जिसे उसने 10 साल लगाकर अंजाम भी दिया। लेकिन ये सब कुछ रोका जा सकता था अगर सुषमा उसी वक्त पुलिस को इन्फॉर्म कर देती जब नेहा ने अजय पर रेप चार्जेस लगाए थे। नेहा और संजय का प्लान तभी एक्सपोज हो सकता था। जितना क्राइम करना गलत है उतना ही गलत है उस पर पर्दा डालना। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।